मेक्सिको में 2 दिन मनाया जाएगा और 39 मुर्दों का दिन 39 शहर की सड़कों पर नजर आए विशाल कंकाल दिखे तस्वीरें। मेक्सिको सिटी में आज से 2 दिन चलने वाले डे ऑफ द डेड यानी मुर्दों का दिन त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। यहां टाला हुआ की सड़क पर एक विशाल कंकाल नजर आया। इसे स्थानीय बच्चों के खेलने के लिए रखा गया था। इसे सड़क के बीचों बीच ऐसे रखा गया जैसे यह जमीन फाड़ का निकला हो। बीबीसी की खबर के अनुसार इसके स्थानीय कलाकारों ने बनाया है और 29 अक्टूबर को सड़क पर रखा था। बच्चे इसके आसपास खेलते नजर आए। बताया जाता है कि करीब 2000 साल से इसे मनाए जाने की परंपरा है। विशाल कंकाल को कार्डबोर्ड से बनाया गया है। इस त्योहार में लोग अपने मृत परिजनों को याद करते हैं। इन लोगों का ऐसा मानना है कि एक दिन के लिए पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के साथ रहने आती हैं। इस उत्सव की शुरुआत में शहर में कैटरीना परेड हुई जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मैक्सिकन कार्टूनिस्ट जोसे गुआडालुपे पोसादा ने करीब 100 साल पहले एक कंकाल बनाया और इसे कैटरीना नाम दिया था। इस परेड में लोग अपने परिवार के साथ शामिल हुए। परेड में शामिल होने वाले लोग कंकाल के अलावा अन्य कई तरह के पोशाकों में नजर आए। इस साल पोशाकों में मोनार्क तितलियों का भी चित्रण किया गया था जो हर साल भारी संख्या में मेक्सिको की ओर पलायन करते हैं। डे ऑफ द डेड फेस्टिवल के तहत मोंटेरी जैसे शहरों में भी कार्यक्रम हुए। लोगों का कहना है कि इस कार्यक्रम की जड़ें हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई हैं। इसमें पहने जाने वाली पोशाकें इसकी प्राचीन उत्पत्ति को दर्शाती हैं।